नमस्ते दोस्तों, शुरू करते हैं आज के डीएनए का ये एपिसोड। पहली खबर है कासार के ढोलाई एरिया की। यहाँ अलग अलग सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया गया। अगली खबर है बोंगाईगांव डेवलपमेंट अथॉरिटी का। यहाँ टू व्हीलर्स के लिए एक इको पार्किंग फैसिलिटी का इनॉग्रेशन किया गया है। ये पार्किंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी बेस्ड होगा। अगली कुछ तस्वीरें हैं गुवाहाटी में बन रहे नए एयरपोर्ट टर्मिनल की। इसका काम अगले साल तक खत्म हो जाने की बात बताई जा रही है। अगली खबर है डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट से। यहाँ एक नया ट्रैफिक कंट्रोल रूम और टेक्निकल रूम बनाया जा रहा है, जिसकी लागत है 30 करोड़ रुपए और ये 18 महीने में बनके तैयार हो जाएगा। इसके साथ ही अंडरग्राउंड पार्किंग भी बनाया जा रहा है। अगली खबर है करीमगंज के आरके नगर में हिमंत बिश्व शर्मा सर ने आज एक नया ऑडिटोरियम का शिलान्यास किया। इसकी कैपेसिटी 1,000 लोगों की होगी। इसके साथ ही कई नए रोड प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया गया। अगली खबर है हमारे सीएम श्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने गोगामुख में इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया। ये उद्घाटन ऑनलाइन हुआ और ये रही उसकी कुछ तस्वीरें। अगली खबर है सिलचर से। यहाँ हिमंत बिश्व शर्मा सर ने 500 बेड इमरजेंसी हॉस्पिटल विंग का शिलान्यास किया और पूरे हॉस्पिटल को अपग्रेड करने के लिए फंड्स प्रोवाइड की, जिसकी कुल लागत लगभग 100 करोड़ रुपए है। और इसी हॉस्पिटल में 400 बेडेड आईसीयू का भी इनॉग्रेशन किया गया। अगली खबर है मालेगांव में बनने वाले फ्लाईओवर जो कामाख्या गेट तक जाएगी, उसका ये 3D व्यू हिमंत बिश्व शर्मा सर ने शेयर किया है। अगली खबर है सीएम श्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने धुबरी के चापर एरिया में बिरसा मुंडा स्टेडियम का इनॉग्रेशन किया। अगली खबर भी धुबरी से है। यहाँ सीएम श्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने शरद चंद्र सिन्हा मेमोरियल पार्क का उद्घाटन किया। इसके साथ ही रत्नापीठ कॉलेज में शरद चंद्र सिन्हा जी का स्टैचू इनॉग्रेशन किया गया। अगली खबर है लमडिंग के बोर्डलांगफंग एरिया में परिमल शुक्ला वैद्या जी जो हमारे फॉरेस्ट मिनिस्टर है, उनके द्वारा साहित्य मानसी उपवन का शिलान्यास किया गया। अगली खबर है आज हाजो में एक डिजिटल लर्निंग सेंटर का इनॉग्रेशन किया गया। इस सेंटर से उस विलेज के डेवलपमेंट में बहुत फ़ायदा मिलेगा। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, गुड नाइट।